अस्सलाम वालेकुम, आ गया आपका भाई फसी बिन आमिर न्यू व्लॉग लेकर ईद उल अजहा का। अभी हो गया है नमाज का टाइम, नमाज पढ़ते हैं, ईद मुबारक चाची जी, ईद मुबारक करके फिर मिलते हैं आपको नए अंदाज में। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अच्छा जी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक का बड़ा करम है जो अल्लाह पाक ने इस साल भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और अभी नमाज अदा की है। तो अब घर के लिए जा रहे हैं, तो घर जाएंगे तो माशाल्लाह अल्लाह की राह पर कुर्बानी करनी है चलकर, और इंशाल्लाह फिर क्या नाम है गोश्त गोश्त भी बांट रहे हैं और समझा करते हैं ना। फिर भी यार आज ना थोड़ा सा तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम था, आंख लग गई थी तो किधर गया था मैं सो, तो वो बस इसलिए कपड़े नहीं पहन सके। तो गोश्त वगैरह बांट लें, कुर्बानी कर लें, फिर इंशाल्लाह जरा हैवी वली का नाम है फिर फोटो शूट होगा और आपके साथ शेयर भी होगा। चले जा रहे हैं घर, हलवा पूरी का नाश्ता भी ले लिया और अब जा रहे हैं घर। तो घर जाके जरा नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी का जरा यस करेंगे सारा काम। तो कुर्बानी भी लगता है होगी है घर में, मैं लेट हो गया क्योंकि ईद की नमाज पढ़ी है, थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद इधर भी तकरीबन आधा घंटा लग गया हलवा पूरी लेते हुए भी। कि आप सबको कहा था छुरी चल गई होगी, देखें नमाज का भी टाइम हुआ था, नमाज शमाज पढ़ी है, इधर छुरी चल भी गई है। सदर मुमलिकत जल्दी ले किया, अंदर ही चलिए मियां साहब। ये है जी हमारे नाना, ईद मुबारक जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मिलो जी, सब तो पहले ईद मिलो जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, खैर मुबारक। चले जी चलते हैं अंदर। हाँ जी जी अंदर आ जाओ, निजाम सारा यस से, टेंशन नहीं लेनी है, यस निजाम ओके। हो गए हैं जी बैठे के टोटे, एक टोटा पूरा पाटा आ गया दूसरे की तैयारी में। मियाँ साहब आप ये बताएं कि कलेजी गुर्दे आप खुद तैयार करेंगे? तैयार नहीं करेंगे, पकाएंगे। पकाएंगे नहीं, हम खुद नहीं पकाएंगे, घर वाले पकाएंगे। यस पकाए फिर हम पेड़ेंगे सिर्फ इसको। मतलब हम खाने के लिए आए, खाने के लिए आए हैं। माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह। घर वाले इसका मसाला मसूला तैयार करेंगे, फिर हम गुर्दे कलेजी काट के घर वालों को देंगे, वो पका के फिर हमें देंगे, हम फिर खाएंगे आराम से। फिर हम कोक की बोतल साथ, कोक स्प्राइट के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 जी, एक बेड़ा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, उसका गोश्त हो रहा है और वो बकरे हैं और ये माशाल्लाह अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करने लगे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा जी माशाल्लाह दूसरा बेड़ा भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मैं तो जाके ना लेटा हूँ, थकावट बहुत ज्यादा हुई हुई थी तो मैं गया था सो। तो अभी क्या नाम है अल्लाह की राह में भी गोश्त बांटा है और अभी लेने वाले हैं जो वो अभी भी बाहर खड़े हैं भाई, लेना ही लेना है। अच्छा जी फाइनली कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, गोश्त भी गरीबों में भी बांट दिया है, थोड़ा सा अपने घर भी रख लिया है और रिश्तेदारों में भी बांट दिया है।
और अभी घर की सफाई भी कर ली है। ठीक है, अभी घर की सफाई वगैरह भी हो गई है। तो ये आप हाल देख सकते हैं मेरा, रोज मेरा बांट के अब थकावट हो गई है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको क्या नाम है एक नए छे कपड़े शपड़े पहन के जरा पप्पू बच्चे बन के फिर लेते हैं। ठीक है, ओके। हाय एवरीवन, उठ गए हैं भाईजान, आपका भाई जरा मम्मी डैडी जरा लश पश बनने के लिए आ गया है गोल्ड सीजर सलोन पर सोनू भाई के पास। सोनू भाई जरा जरा लश पश कर दें एक दफा, यही आपको पता है जरा गोश्त वगैरह बांध के कोई बैठे भी लिए हुए थे, रंग काला कर लिया जरा एक दफा, कोई दो तीन क्रीमे श्रीमे लगाए, कोई रंग चिट्टा हो, कोई मम्मी डैडी के यस कर दो। ओके, ओ भाई इतनी गर्मी भाई, मजा आया। वेलकम बैक टू गोवा सिंगर। सलोन से आए हैं, नहाए धोए हैं, जरा यस हुए हैं, टोक पहनी भी है। ये था सरप्राइज, चेक करो। ये मैं लेके आया था जब उमरा करने माशाल्लाह गया था, अल्लाह पाक ने अपने घर की सादत नसीब फरमाई थी, ये उधर से लाया था। तो मैंने कहा चलो ईद का पहला दिन है, जरा यस हो जाए, हैवी हो जाए निज़ाम, और अब बाहर जाने लगा हूँ दोस्तों के साथ, थोड़ा सा मिल लें, कोई अल्लाह गुल्ला थोड़ा सा कर लें। उनकी भी बहुत कॉल्स आ रही हैं कि कहाँ पे घूमो, आए नहीं। और मिलते हैं फिर ईद के दूसरे दिन दूसरे व्लॉग के साथ, दूसरी हाजिरी के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी आप अपने भाई को इजाजत दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।